दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप के आगरा में ताज के दीदार के मद्देनजर तैयारियां ऐसी ही देखते ही बनती जा रही हैं। जब मेहमान बहुत खास हो तो तैयारियां भी बेहद खास हो जाती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आगरा यात्रा से पहले आगरा शहर के साथ साथ यमुना नदी को स्वच्छ और अविरल बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। यमुना साफ सुथरी दिखे इस नजरिए से माट नहर के रास्ते 500 क्यूसेक गंगा जल मथुरा में छोड़ा गया। कहा जा रहा है कि विभाग की कोशिश है कि गंगा जल की यह मात्रा यमुना में 24 फरवरी तक निरंतर बनी रहे। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण विभाग के मुताबिक यह कदम निश्चित रूप से प्रभाव डालेगा। मथुरा के साथ साथ आगरा में भी यमुना नदी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा में कमी आएगी। इतना सब होने पर यमुना का पानी पीने योग्य भले ही न हो मगर उसके दुष्प्रभाव और बदबू में कमी जरूर आएगी। जिस तरीके बरसात ऋतु में पानी आ जाता है तो जो पैरामीटर्स वगैरह हैं वो अच्छे हो जाते हैं, उसी तरीके से आने से जल गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी। तो सर यहाँ से पानी फिर आगरा भी आएगा? जी जी जी। किस तरह से सर, कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जाएगा? ये हंडाल स्केप से आ रहा है। जाहिर है जब मेहमान खास हों तो तैयारियां भी बहुत खास होती हैं। पुलिस प्रशासन महकमों में छुट्टियां रद्द कर दी गईं। खुद सूबे के मुखिया की हर तरह की तैयारियों पर बारीक निगाह है। पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन ने जितने भी कर्मचारी और अधिकारियों की छुट्टी घोषित की थी वो सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। सभी को वापस बुलाया जा रहा है वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए। और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री कल योगी आदित्यनाथ आगरा आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और शाम को जब लखनऊ रवाना हो गए उसको लेकर आगरा के सर्किट हाउस में वो अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के आगमन से पहले सड़कें फुटपाथ सब चमकाई जा रही हैं, यहां तक कि शहर के कुछ हिस्सों में एक कलर की पेंटिंग तक की जा रही है ताकि इलाका खूबसूरत दिखे। रोड के तरफ जो है साफ सफाई चल रही है, जो पेड़ों की जो प्रूनिंग है वो चल रही है, होर्डिंग्स वगैरह हटाए जा रहे हैं, रंग रोगन का जो है काम चल रहा है, जो टूट फूट मरम्मत है वो सारी वो जो है काम चल रहे हैं। खेरी मोड़ पर देखा गया कि सारे दुकान और फ्रंट जो है वो एक ही जैसे कलर किए जा रहे हैं। हाँ, वो एक जैसे कलर में कराया जा रहा है। वहाँ पर जो बाजार की कमेटी है उसके इनिशिएशन से, उसके सहयोग से एक ही कलर की पुताई कराई जा रही है और एक ही तरीके के बोर्ड जो है लगाए जाने का काम कराया गया है। कल रात में 10 बोर्ड लगाए गए हैं, बाकी आज से कल तक जो है जैसे जैसे बोर्ड बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे लगाने का कार्य कराया जाएगा। इतना ही नहीं, नगर निगम को इस दौरे के मद्देनजर विश्व स्तर पर तैयारियों की जिम्मेदारी दी गई है। 3000 सांस्कृतिक कलाकार दोनों खास मेहमानों का स्वागत करेंगे। नगर निगम विशेष तौर पे वर्ल्ड क्लास सफाई कराने के लिए उनको जिम्मा दिया गया है। ताजमहल के आसपास जो काम है वह एरिए को उनको लगाया गया है और जो अन्य प्रशासनिक व्यवस्था है वो भी हम लोग करा रहे हैं। और उनके स्वागत के लिए सांस्कृतिक कलाकार भी पूरे प्रदेश से आएंगे। लगभग हम लोग कोशिश कर रहे हैं 3000 तक हम सांस्कृतिक कलाकारों को बुला के सांस्कृतिक कार्यक्रम रूट पे हम लोग कर रहे हैं। 24 फरवरी को भारत आ रहे डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ ताज नगरी पहुंचकर ताज का दीदार भी करेंगे, साथ ही यहां कुछ वक्त बिताएंगे। इस दौरान यमुना किनारे बने ताज के दीदार के साथ यमुना नदी किनारे भी चहलकदमी कर सकते हैं, इसीलिए यमुना की साफ सफाई पर बड़े स्तर पर प्रयास किए गए। मथुरा से मातुल शर्मा और आगरा से शिव चौहान के साथ R9 TV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।